अबे सर आर और मैं सर हीर का कर रहे हो, हमरो समझ में नहीं आ रहा है ये का लिखा हुआ है। सरकार हेडमास्टर लोग को सिविल इंजीनियर बनाकर बिल्डिंग बनवाने का काम दे रही है। नहीं रेगुलर की नहीं, अक्षर ज्ञान देने के लिए हम बैठा सकते हैं। बैठाइए सर, इसको नाम काट के पीछे कर दीजिए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या? दो अंक इक्कीस। हाई स्कूल यहाँ पर है लेकिन हाई स्कूल के शिक्षक नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभी मैं उत्क्रमित उर्दू उच्च विद्यालय गुर्दी गढ़वा में खड़ा हूँ और सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर क्लासरूम बना है, उसके आगे बरामदा है और लाइन से यहाँ पर चप्पल और जूती रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, और यहाँ पर डस्टबिन यहाँ पर रखा हुआ है। और इधर देखिए एक बार भवन का आप स्थिति देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति को देखिए कि मतलब ये टूटता जा रहा है। पूरा पूरा भवन आप देख लीजिए, ऊपर भी दिखाइए एक बार, एक बार देख लीजिए पूरा। ये लास्ट टाइम कब रिपेयर हुआ था सर? ये जो बना उसके बाद रिपेयर नहीं हुआ। कब बना था ये? हो गया 8 साल हो गया। आठ साल में इसे कैसे झड़ जा रहा है? लमसम हो गया। लास्ट बिल्डिंग यही बना हुआ है? नहीं, ये वो बिल्डिंग बना लास्ट, इससे ये पड़ा था। 10 साल में इसे कैसे झड़ जा रहा है? पता है कुछ, देखिए लापरवाही कुछ है। बनवाया कौन था इसको? हेडमास्टर जो रिटायर कर गए। अच्छा, रिटायर करके चले गए। देखिए हेडमास्टर साहब यहाँ से रिटायर करके चले गए हैं, बिल्डिंग वही बनवाए थे। अब समस्या ये है कि सरकार हेडमास्टर लोग को सिविल इंजीनियर बनाकर बिल्डिंग बनवाने का काम दे रही है, तो बिल्डिंग कैसा बनेगा? भ्रष्टाचार होगा उसमें, और भ्रष्टाचार होगा तो बिल्डिंग ढह ही जाएगा, आप समझ सकते हैं। इसी से इसको देना चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि वो अच्छा इंजीनियर को लाए, अच्छे से एक क्या बोलते हैं इसको नक्शा बना के अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए। लेकिन अब हेडमास्टर साहब को खिचड़ी का काम दे दीजिएगा, कलर का काम दे दीजिएगा, भवन बनवाने का काम दे दीजिएगा, तो आखिर वो पढ़ाएंगे कब और स्कूल का डिसिप्लिन और मेंटेन कैसे रखेंगे? जरा हमको झारखंडवासी हो और जगन्नाथ महतो जी बताइए आप, ये कौन सा क्लासरूम है सर? ये 6 और 7। 6-7 चप्पल बाहर का है निकाला हुआ? डिसिप्लिन में लगाते हैं सर लोग, क्योंकि कुछ लोग कचरा लगाते हैं, पैर भिंगाते हैं, बालू सट के आ जाता है, पूरे हो जाता है। लेकिन बेंच तो लगा हुआ है ना? लगा हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ लापरवाही चलते होता है कि सभी लोग जो है अपना पैर साफ रखेंगे। और मध्याह्न भोजन मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है जी। 7वीं 8वीं वाले देखिए यहाँ पर भी शिक्षक नहीं है अनुपात के हिसाब से, इसलिए 7वीं और 8वीं वाले बच्चे कंबाइन पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि 6 शिक्षक है और 300 प्लस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि फिर अलग अलग पढ़ाया जाए, फिर वही कंबाइन पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी क्या कोई शिक्षक नहीं है सर यहाँ पर? क्या इसमें क्लास लिए थे, इसमें हम लोग टास्क देकर गए थे, शिक्षक कमी होने की वजह से। हाँ, मतलब ये का जीके जो है ना जी, उसको कहिए जनरल नॉलेज जी, उसको रिहर्सल करने दे दिए थे। अच्छा, तब तक क्या नाम है बाबू? तो असगर है मैम। कौन से कक्षा में? तो 8। जनरल नॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? खड़ा हो जाइए बाबू। जनरल नॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? जीके। जीके कहते हैं, वो तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, और फुल फॉर्म हो गया जनरल नॉलेज। हिंदी में बताओ, सर को देख रहे उधर, इन्हें देखो नहीं यार कैमरा में, बताओ। 7 तुम क्लास देख चुके हो और 8वां में आए हो, नहीं मालूम है? नहीं है। सर पढ़ा के गए थे ना अभी? जी। सच सच पढ़ाए हैं जी। है सब्जेक्ट कौन कौन है मालूम है? टाटा बाय कर दिए हो क्या सब्जेक्ट को भी? विषय विषय जी कौन कौन सा है? बैठ जाओ। दाना नहीं चाहिए। और जनरल नॉलेज को समान ज्ञान कहते हैं, समझे जी? याद रखोगे ना जी? कौन से देश में रहते हो? भारत। राजधानी कहाँ है? रांची। रांची है, समझ गए तुम, पास हो गए हो। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? धर्मेंद्र उराव। धर्मेंद्र उराव, पापा क्या करते हैं? सब काम करते हैं। काम करते हैं? कहाँ काम करते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। अच्छा ये बताओ ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कौन कौन सा? मंडे हो गया और संडे, मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, सैटरडे और फ्राइडे। तो खा गए सर, फ्राइडे और सैटरडे बस। क्या नाम है तुम्हारा? हसनैन खान। अरे हसनैन खान, कौन से कक्षा में हो? 7 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 7। 7 का स्पेलिंग क्या होता है? SEGEN। SEGEN। हाँ गुड।
कौन से देश में रहते हो? भारत। कौन से राज्य में रहते हो? झारखंड। कौन से जिले में रहते हो? गढ़वा। झारखंड में कितने जिले हैं? 24। चलो बहुत अच्छा यार, वेरी गुड। क्या नाम है? अरहान अंसारी। अरहान अंसारी जी, क्या करते हो? पढ़ते हैं। कौन से कक्षा में? 7। 7 में पढ़ते हो जी। कौन कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? है सब्जेक्ट नहीं बता पाओगे? हिंदी पढ़ने आता है? हिंदी पढ़ने आता है जी। चलो इधर आ तो तुम। जितना लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा है सबका नाम काट के सर पीछे भेज सकते हैं आप? है? पीछे भेज सकते हैं, ऐसा अनुमति है? जिसको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं, भेजने की बात नहीं है, रेगुलर बच्चा नहीं है। नहीं रेगुलर की नहीं, अक्षर ज्ञान देने के लिए हम बैठा सकते हैं। बैठाइएगा, इसको नाम काट के पीछे कर दीजिए। क्या जरूरी है ये सातवें में जाने का, आप बताइए सर से। प्रावधान नहीं काट के पीछे करने, तो आप आगे बोलिए। अगर कहिए तो हम ही जाके शिक्षा विभाग में बात करते हैं, कराइए। बिल्कुल एकदम है, क्योंकि जब इसको मालूम नहीं रहेगा। कौन कौन सा मात्रा लगा हुआ है इसमें? राजधानी दिल्ली। अरे मात्रा कौन सा लगा हुआ है? अरे मैं कर रहा हाँ। जो मात्रा बताओ, मैं अक्षर नहीं पूछ रहा हूँ, स्वर नहीं पूछ रहा हूँ, और व्यंजन मात्रा कौन कौन सा लगा हुआ है? रा में कौन सा मात्रा लगा हुआ है? मालूम है? है? क्या लिखा हुआ है मालूम है? अब जरा हेमंत सोरेन जी और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी और जो है कमेंट में ज्ञान झाड़ने वाले लोग, आप हमको बताइए कि जब मात्रा इनको मालूम नहीं है, ये क्या लिखा हुआ ये मालूम नहीं है, तो सातवीं क्लास में पढ़ने का क्या मतलब है? ऐसे क्लास फंदवाने का क्या मतलब है? जरा हमको बताइए आप लोग। तू माना बाबू इधर, क्या नाम है? चप्पल बाहर निकल के आया हूँ, ये सुनो ये सुनो, क्या नाम है? साजन खान। साजन खान, नाम तो बड़ा अच्छा रखे हो यार। पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बिल्डिंग करते हैं। बिल्डिंग करते हैं। कौन कौन सा मात्रा लगा हुआ है मालूम है? है? अब देखिए, जब लोगों को आठवीं कक्षा में जाने के बाद मात्रा नहीं मालूम होगा तो फिर कैसे पता चलेगा क्या लिखा हुआ है? थोड़ा तेज बोलो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है सर? अबे हर्षर आर और मैं हर्षर हीर, क्या कर रहे हो? हमरो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद मात्रा कौन सा लगा हुआ इसमें नहीं मालूम है? अब बताइए, ये साजन है मेरा दोस्त कह सकते हैं इसको आप, सब दोस्ती है मेरा। अब इसको अ आ ई जब ये नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट क्या जरूरी है पढ़ने का? सर ऐसे लोगों को क्यों नहीं अलग से पढ़वाते हैं? कुछ है बच्चा जो है ना रेगुलर नहीं आते सर। पूछू बच्चा सर, दूगो से पूछा, अभी तीसरा से पूछते हैं। हाँ, वो भी बता रहे हैं। तुम इधर आओ, मास्क वाला लड़का, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। व्हाट क्या होता है इसका मतलब? व्हाट है? व्हाट का मतलब भट हो जाएगा। बोलो, चलो बैठ जाओ, समझ गए। देखिए लोगों को मालूम नहीं है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बताइए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था? हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त। 15 अगस्त कब? 1947। गुड। क्या नाम है? आकाश राव। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? नहीं याद है। कौन से कक्षा में हो? अरे क्या नाम है? आकाश राव। कौन से कक्षा में हो? 7। 7 में, उठ जा। कौन से कक्षा में हो? 7 में। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? पता नहीं है? ये पता नहीं मालूम है, टाटा बाय बाय कर दिए। क्या नाम है तुम्हारा?
फुजैल अंसारी जी। तुमको लग रहा है मालूम है, कहो क्या होती है एकम की सबसे बड़ी संख्या? 9। और छोटी? छोटी एक। और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या? दो अंक के 21। 21 हो जाएगा, न्योता देना है 21 रुपया। अब बताइए, समस्या ये है कि जो बुनियादी पढ़ाई होती है, जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई होती है, वहीं से लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है बराबर, और भेज दिया जाता है कक्षा एक से लेके दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां सातवां ट्रेन की बोगी की तरह पढ़ा दिया जाता है। हम तो कहते हैं कि नियम ऐसा होना चाहिए, हर दो महीना में टीचर की भी गुणवत्ता जाँच होनी चाहिए और बच्चों की भी गुणवत्ता जाँच होनी चाहिए, और वैसे पूछ के ऑन कैमरा, नहीं तो परीक्षा लीजिएगा तो ये लोग बहुत होशियार लोग होता है, नकल मार के सब पास हो जाएगा, और जो लड़का फेल हुआ तुरंत उसको पीछे वाले क्लास में डालिए जहाँ से लोग फिर पढ़ के आएगा। जब तक डालते रहिए जब तक वो पढ़ के नहीं आता, तब जाके शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। दुनिया में सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड और नॉर्वे में है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर शिक्षक की गुणवत्ता चेक होती है, बच्चों की गुणवत्ता चेक होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कोई नहीं चेक, कौन करेगा चेक? करने ही वाला मेरा क्या हम कहें उसके आगे, समस्या ये है। क्या नाम है? आदिल खान। आदिल खान, पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। कूल है यहाँ पर सब कुछ है, शौचालय पीने का पानी है यहाँ पर? जी है, है। कि यहीं पे पीते हो कि घर पे पीते हो? यहीं पे। शौच करने कहाँ जाते हो? यहीं पे है। यहीं पे। शौच का मतलब क्या होता है? शौचालय। शौचालय होता है, अच्छा शौच से शौचालय समझ गए, जहाँ शौच वही शौचालय है। नहीं मालूम है? टॉयलेट करने कहाँ जाते हो? शौचालय में। हाँ वही हो गया। तुम कौन से कक्षा में हो? सेवन क्लास में हो जी। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथ। देखिए सेवन को हिंदी में क्या कहते, इतना तो मालूम होना ही चाहिए लोगों को, समझे? तो अभी मैं कक्षा सातवीं और आठवीं में हूँ, सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षक नहीं है। अनुपात के हिसाब से कम अगर देखा जाए तो 6 शिक्षक है, 300 एवब बच्चे हैं यहाँ पर, तो मतलब एक शिक्षक जो है 80-80 लोगों को पढ़ा रहे हैं। कम से कम 10 से 12 शिक्षक चाहिए, तब जाके अच्छे से पढ़ाई होगी यहाँ पर, लेकिन वो है नहीं। अच्छा हाई स्कूल के कितने शिक्षक है सर? हाई स्कूल के अभी तक कोई एबीसी चले हैं। हाई स्कूल यहाँ पर है लेकिन हाई स्कूल के शिक्षक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर पढ़ाई कैसे होती है? बस हम ही लोग से चलता है सब। तो अच्छा आप लोग फिर क्यों आगे कहते नहीं है कि हम रिपोर्ट पाता है? हमेशा रिपोर्ट दिया जाता है, रिक्त का सब दिया जाता है कि 10 क्लास में भी है, 9 क्लास में भी टीचर नहीं है, और अभी अवेलेबल होता है कि 1-8 का भी आपका अवेलेबल, आपका टीचर नहीं अभी है। 1-8 तो चलिए ये लोग को बेसिक पढ़ा के गुजार सकते हैं टाइम, लेकिन जब 9th और 10th में हाई स्कूल में चले गए, एग्जाम होने वाला है, जब शिक्षक नहीं है तो फिर कैसे आप लोग करते हैं? बस यही मैनेज करके चलाते हैं। मैनेज करके चला रहे हैं? तो मैनेज पे चल रहा है सब कुछ जी। तो इनका करियर भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अपना ट्यूशन भी करते हैं, स्कूल भी आते हैं, दोनों काम इनका क्या कीजिएगा, इनके बगैर ट्यूशन के बदौलत ही पास करते हैं। तो जब अच्छा एक बात बताइए, जब ट्यूशन के बदौलत ही पास करते हैं तो फिर हम यहाँ पर 6 घंटा क्यों टाइम देंगे? यहाँ भी ज्ञान मिलता है ना, लेकिन जो मिलना चाहिए सिलेबस के हिसाब से नहीं मिल पाता। देखिए सर, जहाँ लेकिन लग जाता है ना वो चीज़ अच्छा होता नहीं होता है, मानते हैं जी जी। यहाँ लेकिन लग गया तो 6 घंटा यहाँ पर टाइम पास हो रहा है, अब मात्रा मालूम नहीं है, आ ई मालूम नहीं है, व्हाट लिखा वो मालूम नहीं है लोगों को, और आठवीं कक्षा में जाकर शिक्षक का अभाव हुआ ना। अगर ये होते तो मान के लिए क्लास बाय क्लास अक्षर ज्ञान अलग से दिया जाता, उसको डिवाइड किया जाता, जिनको ज्ञान हो गया उनको अलग बैठाया जाता, ये सब पढ़ाने का ही सही होता, लेकिन टीचर का अभाव है, ये रिहर्सल करवाते हैं। क्या बनना चाहते हो आगे चल के? सोचे हो जीवन में? नहीं नहीं सोचे हो। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? वाई वेरी नाइस। कौन सा कक्षा में हो? 8th क्लास में हो। डॉक्टर का स्पेलिंग बोलना तो DOCTOR। चलो गुड। आपका नाम क्या है चाचा? अनुमान खान। आप यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, घूमने आते हैं। अच्छा आम नागरिक है यहाँ के? जी। आते बैठते हैं जी। तो आप आते हैं, ये बताइए कि आप ही के गांव के लोग हैं, बच्चे बच्चे अब इनको और आई मालूम नहीं है, तो क्या कहना चाहिएगा? तो हम तो यही कहेंगे जो पहला शब्द आप बोले हैं सर, कि पीछे कर दिया जाए जी, पीछे से पढ़ाई हो, करना चाहिए कि नहीं पीछे? पीछे करना चाहिए। जब आठवा में चला गया है उसको आठवा का मतलब मालूम नहीं है, उसका कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो मालूम नहीं है, राजधानी लिखा हुआ वो मालूम नहीं है कि मात्रा कौन सा लगा हुआ है, तो आठ में जाने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, एकदम पीछे करना चाहिए, उसको सीधे 4 में डालना चाहिए या 5वें में डालना चाहिए? डालना चाहिए। हाँ बेशक, कोई संकल्प सुबह नहीं, और सरकार के भी मानवता देना चाहिए कि पीछे के मास्टर लिख के दें और उनको पीछे करने के
आदेश होना चाहिए, मतलब कल सरकार को भी ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। देखिए बजट में जो है शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, अब वो करोड़ों रुपया कहाँ खर्चा होता है समझ में नहीं आता है, वो पैसा मिलावट में चल जाता है, भ्रष्टाचार में चल जाता है, पता नहीं चलता है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अ आ ई ये भी मालूम नहीं है लोगों को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज। मैं हूं गढ़वा जिले के गुर्दी हाई स्कूल से समर, जय हिंद। और मेरे से ये डस्टबिन गिर गया है, माफी चाहते हैं, मैं इसको उठा देता हूं। जय हिंद।